शुभांगी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम डूइंग गुड टू। सो आज हम जा रहे हैं फुल ऑन अपनी कुछ कुछ चीजें प्रिपेयर। वी आर नॉट गोइंग टू गुड, ओ सॉरी डूडल। और आज मम्मी ने किया सबसे ज्यादा लेट, उसका बेनिफिट मुझे हुआ है, मैं कई बार वॉशरूम जा पाई इस चक्कर में। ऐसे मौके पे कोई लेट करे वो मेरे लिए पॉजिटिविटी का काम करता है। चलो, ऑल आर लीविंग एट वंस। और जब बाबा उठेगा तो उसको सरप्राइज मिलेगा, तो फैमिली का कोई मेम्बर है ही नहीं अभी घर में। सो चलो ठीक है, सरप्राइज सरप्राइज हो जाएगा। दिल्ली के समय हम कार अपनी अंदर पार्क कर देते हैं, तो उमंग की कार का तो जरूरत पड़ी नहीं एज सच, तो वो निकली नहीं। एंड आई थिंक ये जिस किसी की भी कार यहाँ पार्कड है, दैट इज कॉजिंग द हर्डल टू ब्रिंग आर कार आउट। यही है ना प्रॉब्लम, ये कार के वजह से वो बाहर नहीं निकल सकती ना अभी, है ना? और ओनर कौन है इनका? हाँ एक बार आसपास पूछ लो। चलो तब तक वी आर सिटिंग इनसाइड, इतनी धूप में क्यों खड़े हो रहे हैं? एंड फाइनली वी आर आउट। हाय, आपने ऐसा क्या किया है जो आप मुंह छुपा रहे हो? बस तुम्हारे बगल में बैठी हूँ, यही मैंने सर्च, यही मेरी शर्मिंदगी है। अब भाभी इज डूइंग शॉपिंग और हम धीरे धीरे करके एक एक यहाँ पर बैठ गए हैं। एज यू कैन सी पूरे रो में सब शुक्ला फैमिली दिख रही है अभी। तो ये होता है शॉपिंग के टाइम पे टायर्डनेस। अभी भाभी को आने दो, शी सी अस। एंड दिस इज आवर लंच टाइम। भाई और उमंग गए हुए हैं, अपना ऑर्डर कर लो। भाई साहब तो हमने पूरे प्लेट्स उड़ा दिए हैं, और दिस स्मार्ट गर्ल सब में से इन्होंने टेस्ट किया और एक स्मार्ट मूव लेते हुए जो सबसे टेस्टी लगा वो लेकर आई। इसके लिए चाहिए पेशेंस जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। And now it's my husband's birthday, so we are celebrating it sharp at 12 o'clock. So hey everyone, it's the next day और ये है उमंग का birthday और we are going to enjoy his birthday today. So celebration कहाँ होगी? For that you have to wait. How's my this look? This is my instant look, क्योंकि जो look मैं सोच के आई थी that didn't happen because of my goofiness. तो ये मैंने अभी लिया था, so मैंने इसको pair up कर लिया है ऐसे ही। तो just let me know कि मेरा इंस्टेंट लुक आप लोगों को कैसा लगा। सो हे एवरीवन, आई प्रिज्यूम यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि क्लिपिंग्स में क्यों वीडियो बनी है। और हियर इज माय क्यूट हस्बैंड, इट्स समथिंग। ओह, ये एयर फ्रायर में बनाया है मकैन। ओके। तो आप लोग सोच रहे हो क्लिपिंग्स में क्यों बनी है वीडियो। रीजन बीइंग फेस्टिवल्स की इतनी टायर्डनेस थी कि तब भी मैंने किसी तरह से पुश कर करके ही बर्थडे सेलिब्रेट किया। बर्थडे बॉय का भी उतना टायर्डनेस चढ़ा हुआ था कि इवन ही डिडंट वांट टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन दैट ग्रैंड वे। बट और उनकी तो डिमांड थी घर पे अकेले ही ऐसे रहना है ये वो, और सबको टायर्डनेस हो रही थी, सबके ऑफिसेस चालू हो गए थे। बट आई वॉज लाइक मैं सिंपल तो नहीं जाने दे सकती, बीट इट एनी थिंग। आई लव पैम्परिंग उमंग बहुत ज़्यादा, मेरे लिए ये एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है व्हेन आई पैम्पर्स हिम एंड व्हेन ही फील्स हैप्पी। और तो या तो ज़्यादा शूट नहीं किया, हम बहुत ही ईजी ब्रीजी वे में थे और शूट भी कर रही थी, तो इवन ही वॉज आस्किंग कि नहीं ठीक है। बट तो यही छोटे छोटे ग्लिम्सेस मैं आपके लिए शूट कर पाई हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एन्जॉय करना। आई नो वो फ्लो नहीं है वीडियो में, क्लिपिंग्स है, बट ठीक है। इसीलिए उनको भी उस दिन वीडियो पे नहीं लिया, क्योंकि बर्थडे बॉय की सारी डिमांड्स तो मैं कैंसिल आउट नहीं कर सकती। एक बहुत मुश्किल से कैंसिल आउट कर पाई, दैट आई विल सेलिब्रेट योर बर्थडे एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो। एक इसको समझ लेंगे कि ज़रूरी है, बस फेस्टिवल की तरह इसको भी करेंगे। मेरे लिए इट इज़ नो लेस देन फेस्टिवल, ही केम ऑन द अर्थ फॉर मी। सो यस, अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में, वहाँ हम करने वाले हैं मकैन पार्टी। सो यिप्पी। हेलो भाई। भाई मुझे खाने की महक आई तो मैं इस रूम में भागी चली आई। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। भाई मैंने प्लेट देख दिया।
दूसरे कंपनी वालों सब देख लो इनके लैपटॉप पे क्या क्या तो आई एम कुंभकर्ण, मुझे खाने की स्मेल से यहाँ पे बुलाया गया है, अदरवाइज मैं अपना घोंसला छोड़ नहीं रही थी। हाँ, एयर फ्रायर का ये कैसा लग रहा है टेस्ट में आपको? तो ये तो डाइट वाली है, इनको हर सूखी रूखी चीज अच्छी लगेगी। ये सेम है, एकदम सेम है, सेम, नो डिफरेंस। यू ईट, बट मुझे इसमें बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो थोड़ा सॉफ्ट है। इट्स ओके, दिखने में तो इट इज लुकिंग वेरी नाइस। ये दो बार में बना है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने मैनुअली जैसा हुआ वैसा किया। ओके, तो दूसरी बार किया तो थोड़ा क्रिस्पी हो गया। ओके, अगली बार फर्स्ट टाइम ही क्रिस्पी हो जाएगा। ओके, हार्डली टेक्स 10-15 मिनट्स। और एक सरप्राइजिंग न्यूज ये है कि मैंने 3 दिन तक लगातार शूट किया आफ्टर दिवाली, सारे फेस्टिवल्स जब खत्म हुए उसके बाद भी मेरा 3 मिनट तक का भी वीडियो नहीं बना, क्योंकि हम सब लोग टायर्ड थे। बाकी हम लोग जॉम्बी जैसे घूम रहे थे कि हाँ, हैंगओवर उतरे सारे फेस्टिवल्स का पहले। देखो, yes. ये देखिए डोमेस्टिक वायलेंस, वो देखिए, ये देखिए देखिए ये निंजा टेक्निक होती है लड़कों की, वंस इन अ ब्लू मून। खैर ये मैं, नहीं बोलूंगी भाई, बोलते कितने ब्लू मून होते। ये ईयरफोन लगा के बैठा था मैं, कपड़े पैक कर रही थी, मुझे लगा मीटिंग चल रही है। नहीं भाई साहब, यूट्यूब वीडियो देख रहे थे ईयरफोन, और इतना सीरियस मुंह बना के कि मुझे कि आपको लगे कि ऑफिस वर्क चल रहा है। मुझे लगा क्या कहना चाहेंगे आप इस एलिगेशन के लिए। अब यार मेरा, मेरे पास वो है फीचर कि मैं दोनों में कनेक्ट करके मल्टीटास्कर है हमारे भाई, और मोस्ट ऑफ द टाइम अरे फोन पे आता है, दोनों एक साथ कनेक्ट होकर दोनों चल जाता है। इट इज नॉट फीलिंग लाइक कि इसमें ऑयल वॉइल से नहीं डीप फ्राई करके निकाला, एंड टेस्ट इज सेम। क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में? बट एक चीज है, इससे ये होगा कि स्वाति अगर ये अपने ड्रेस पे गिरा भी लेती है तो तेल के निशान नहीं पड़ेंगे। हर बार भाई पकड़े जाते हैं, इस बार भाई पकड़ी गई। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज एज मच एज यू कैन, एंड दैट वे यू आर गोइंग टू हेल्प मी टू ग्रो। टिल देन, गुड नाइट, बाय।